गाइस, दिस इज मनोज भंडारी। वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस फ्रीक। आज मैं आपके लिए एक ब्रेकफास्ट मील लाया हूं आपके लिए। बहुत इजी है, मतलब ये मसल बिल्डिंग शेक है, इसको कह सकते हैं आप सीजनल मसल बिल्डिंग शेक, जो सीजन पे हमें जो इजी मिल जाती है चीज। तो सीजन पे क्या मिलेगी हमें इजी, हमें मिल सकती है मैंगो। ये मैंगो है 150 ग्राम। तो आज मैं इसका शेक आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट की जगह ये ले सकते हो, इजी भी है, जल्दी से बन भी जाएगा आपका। मेरे पास है यहाँ पर 200 ग्राम मिल्क, पीनट बटर, ये है मेरा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का जो पाउडर कहते हैं, ये है मैंगोज, और ये है ओट्स, ये क्विकर के ओट्स है। इसका मैं एक शेक बनाऊंगा, मसल बिल्डिंग शेक बनाऊंगा। इसकी अराउंड 600 कैलोरीज होंगी और कार्बोहाइड्रेट 70.5 ग्राम में इसका कार्बोहाइड्रेट की होगी क्वांटिटी, और प्रोटीन अराउंड 23 ग्राम। ये मसल बिल्डिंग शेक ऐसा है कि इसमें आपको होममेड शेक है, इसमें कोई वे प्रोटीन यूज नहीं किया हमने, सिर्फ जो हमारे घर में इजी से जो मिल जाती है बजट वाला जो एक शेक है वो है, मतलब ठीक है। तो 600 कैलोरीज कम से कम इसको मिलेंगी आपको, जो 2-3 घंटे तक आपको स्टमक को फुल रखेगा, मतलब मसल बिल्डिंग में जो काम आएगा आपका। और इसमें फैट की क्वांटिटी होगी अराउंड 24 ग्राम। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आपने कितना इसकी मैक्रो जो न्यूट्रिशन है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैंने ऐड किया इसमें 200 ml मिल्क, और ये है 50 ग्राम ओट्स, 150 ग्राम मैंगो है। ये शेक जो बनने वाला है ये बहुत गजब शेक बनने वाला है, क्योंकि इसमें मैंगो है, इसमें मैंगो का फ्लेवर आपको पता ही है बहुत अच्छा होता है। इसमें 1 टेबलस्पून मैं इसमें पीनट बटर यूज करूंगा, ये नेचुरल पीनट बटर है, इसमें ऑल नेचुरल अनस्वीटेड, ठीक है, इसमें शुगर नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ही ये यूज कर सकते हो। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। तो ये मॉर्निंग में अगर हम शेक में लेते, कभी भी टाइम लेते, उससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है इसके लिए। थोड़ा सा हमें डालना है ये फ्लेवर के लिए, और मैंने कार्बोहाइड्रेट इसमें इसलिए ओट्स यूज किए हैं कि आप ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज किया करो, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो डाइजेस्टिंग होता है और अच्छा होता है कार्ब। आधा गिलास में इसमें पानी मिलाऊंगा। बहुत इजी है, मिक्सी में आप बहुत जल्दी इसको शेक को बना सकते हो। ये बन गया हमारा मसल बिल्डिंग शेक। वाह, ये है होममेड प्रोटीन शेक विदाउट वे प्रोटीन। तो आप भी जैसे जिसका बजट नहीं होता है प्रोटीन का, वे प्रोटीन लेने का, तो आप इसको यूज कर सकते हो, और इसमें आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपका, और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 75 ग्राम के लगभग, और फैट की क्वांटिटी इसमें होगी 24 ग्राम अराउंड, और कैलोरीज 600 कैलोरीज। तो ये एक परफेक्ट मसल बिल्डिंग शेक है। सो गाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है, टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है इसका, और आप भी ये यूज कर सकते हो मॉर्निंग में। जैसे अभी बहुत जल्दी कहीं जाना है, ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, तो आप अपना एक ऐसे ही अपना प्रोटीन शेक बना सकते हो। और ध्यान रखें, ये मेरे पास मेजरिंग स्कूप है, अगर आप फिटनेस करते हो तो ये स्कूप आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं 50 ग्राम की क्वांटिटी में, 20 ग्राम, 30 ग्राम ऑल इसमें मिल जाते हैं आपको। तो आप भी ऐसे ही यूज करें इसको। तो गाइस, आप भी इसको शेक को बनाएं, और आपको ये देखो कैसे बना के कैसे लगता है, टेस्ट कैसे लगता है, और मुझे कमेंट करें नीचे। तो गाइस, जो भी नए व्यूअर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि कैसे मसल बिल्डिंग शेक बनाया जाता है। अब मिलता हूं मैं नई वीडियो के साथ। सो सी यू, स्टे ट्यून्ड।